मैं सुरभि आनंद आपका स्वागत करती हूँ YouTube चैनल आर्यभट्ट फिल्म्स में। नवरात्रि त्यौहार खगौल में चहल पहल 15 दिन पहले देखने को मिलती है। यहाँ मूर्तियाँ कुम्हार टोली से मूर्तियाँ जाती हैं। आर्यभट्ट की नगरी खगौल में होने वाली नवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ की नवरात्रि लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। যাদবিনী করণী ত্রিনয়নী সকল মহনাশিনী মাগ তুমি যাগো। আজ শরতের আকাশে বাতাসে তোমার মন্দির ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে দিকে দিগন্তে আনন্দ ধরিত্রী আজ গীত মুখরা। মেঘ ভেসে চলেছে আকাশে কাশের বনে ঝরছে অজস্র ফুল ধানের শীষে লেগেছে প্রভাতী হাওয়া মায়ের আগমনে বিশ্ব প্রকৃতি হয়ে উঠেছে রোমাঞ্চিতা। হে দাক্ষায়ণী শক্তির স্বরূপিনী মহামায়া তুমি অবস্থিতা হও আমার হৃদয় পদ্মাসনে। आज हम बात कर रहे हैं खगौल के सबसे प्रमुख स्थान मोती चौक के समीप काली स्थान की, जहां पर दुर्गा पूजा के दौरान मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। यहां पर इसका आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। आज इस काली पूजा की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। दुर्गा पूजा के दौरान काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ पर काली जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ पर स्थापित काली माँ की महिमा अपरंपार है। ऐसा माना जाता है जो भी श्रद्धालु बड़ी मन्नत से जो भी कामना मांगते हैं माँ उसे अवश्य ही पूरा करती हैं। यहाँ की पूजा एवं आरती देखने लायक होती है। कई भक्त मन्नत पूरी होने पर काली माता पर सोना चांदी का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वर्ष 1985 में यहाँ पर पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसका स्वरूप सार दर सार निरंतर विकसित होता गया है। वर्ष 1985 में पूजा शुरू होने के कुछ वर्षों बाद तक तो सहयोग राशि के लिए घर घर घूमना पड़ता था, लेकिन अब माता की कृपा से सभी श्रद्धालु अपना सहयोग खुद से आकर पूजा समिति को दे जाते हैं। चंदा या सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर माँ की कृपा का एक जीता जाता उदाहरण है कि एक बार एक बिजली मिस्त्री को हाई टेंशन वायर में सट जाने की वजह से भयानक करंट लग गया था, लेकिन माँ की कृपा एवं चमत्कार से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आज के समय में यहाँ पर बिहार से बाहर के भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए आ रहे हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वह फिर से चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। यहाँ पर जो विशेष पूजा होती है वह नवमी के दिन होती है। नवमी के दिन यहाँ पर माँ की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और बलि चढ़ाई जाती है। 25 वर्ष पूरे होने पर साल 2010 में यहाँ माता की 15 फीट ऊँची प्रतिमा स्थापित की गई थी। उस अवसर पर यहाँ पर माता का जागरण एवं भंडारा भी कराया गया था। पिछले 31 वर्षों से यहाँ पर बंगाल के पुरोहित के द्वारा पूजा कराई जा रही है। यहाँ नवरात्रि प्रजापति ब्रह्म कुमारी कन्या द्वारा लोको गेट हरिजन स्कूल में जीती जाती माता का दर्शन देखने को मिलती है। 3 दिनों तक नाटक के रूप में दर्शक माता का दर्शन करते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। इन लोगों का उपदेश समाज को सही राह दिखाना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ 1937 और वही दिन से ये चैतन्य देवियों की झांकी का कार्यक्रम हर एक गांव गांव में शहर शहर में गली गली में और नारी शक्ति का एक अनोखी और निराली झांकी है, जिसमें नारी सशक्तिकरण का एक बहुत सुंदर संदेश जा रही है समाज में। समाज के लिए नारी दुर्गा अष्टभुजा शक्ति स्वरूपिणी दुर्गुण को मिटाने वाली शक्ति देने वाली और शक्ति के साथ साथ जो नवदुर्गा दिखाते हैं लक्ष्मी ज्ञानदात्री। खगौल में पहली बार डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं लड़कियों और बच्चियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
गरबा नाइट्स हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ की लड़कियाँ इतनी काबिल और इतना मतलब मेहनती हो गई हैं कि मतलब इतने बड़े आयोजन को उन्होंने इतने यूं चुटकी से कर दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग खूब आगे बढ़े और हम लोग शामिल होते रहे। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि मैं ही, हर एक लड़की इसी तरह से एकदम मेहनत करके और बहुत ऊँचाई एकदम आसमान कुछ हुए।
करवाती इतनी सबसे पहले तो आर्यभट्ट फिल्म के पूरी संस्था के टीम को बहुत बहुत बधाई एवं दशहरा की शुभकामनाएं, विशेषकर रजत जी की ओर से जो ये पहल की गई है वो सराहनीय है। खगौल नगर परिषद में दशहरा पूरे धूमधाम हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। नगर परिषद खगौल की ओर से लख घाट की पूरी साफ सफाई के जिम्मा, विसर्जन के समय पूरी लाइट्स की व्यवस्था खगौल नगर परिषद की ओर से की जाती है। इसके लिए तमाम खगौल नगर वासियों के जनता को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं नगर परिषद खगौल और नगर परिषद अध्यक्ष की ओर से। मनोकामना मंदिर, जो कि बहुत ही पुरानी मंदिर है, यह बड़ी खगौल देवी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे लोग सच्चे दिल से जो भी मनोकामना मांगते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। खगौल में ही एकमात्र भारत माता की मूर्ति बैठती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं।
मंडल अस्पताल चौराहा देवी स्थान, यहाँ बंगाल और बिहारी द्वारा पूजा होती है। षष्ठी से यहाँ बंगाल के विधि विधान द्वारा पूजा होती है। इस पूजा में पुष्पांजलि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अब जो भी हमारे यहाँ पूजा होती है एकदम से रहती है। शुरू हुई है 1962 से शुरू हुई है और जो भी लोग यहाँ आते हैं अपनी मान्यता को मनाते हैं और उसको माता जी उनकी पूर्ण करते हैं। यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज़ का यही है, पूजा का आस्था हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। अब पूजा हमारे यहाँ विधिवत होती है जो दोनों शाखा से, बिहारी और बंगाली दोनों भाषा में, ये नहीं है कि सिर्फ बंगाली का। और चढ़ावा में जो भी यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं, सोना चांदी आँख का माँ का जो पहनावा होता है वो चढ़ाते हैं, साड़ी कपड़ा जो भी है लोग, और सबकी मन्नतें यहाँ पूरी है, सच्चे दिल से जो भी मांगता है वो मिलता है। औरतों बहुत बंगला लिए काम करते हैं और पीतल देही भक्ति देही धन देही सर्वान आवश्यक। पुष्पांजलि का महत्व है कि हमारे भगवान श्री राम रामेश्वरम में जो है पुष्पांजलि माँ का किए थे, उसी समय से पुष्पांजलि अभी तक चलते आ रहा है। उसका ये था कि 108 कमल का फूल रामेश्वरम में भगवान राम पुष्पांजलि माँ के कर रहे थे। माँ जांचने के लिए एक कमल का फूल ले लिए थे, भगवान 108 पुष्पांजलि जब किए उनका एक फूल कम। सप्तमी को माता का भोग महिलाएं और सदस्य लोग मिलकर खिचड़ी बनाते हैं। यहाँ पे चढ़ावे में माता का सिंगार सोना चांदी चढ़ती है। पावन ज्योति ने तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला माँ। We'll be right back.
माता के विसर्जन के दिन महिलाएं खोइछा भरती हैं और गुलाल खेलती हैं, तब माँ की विदाई की जाती है। डगरे घर सुना अजर भय नैना निरस हुई हर गली। नौ रात नौ दिन माई दसम दिन विदाई विसर्जने माँ चली।